पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम आपके चैनल के माध्यम से। महोदय जैसा कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन इस बिल्डिंग के किसने बनाई है, किस विभाग का है, ये कोई पता नहीं चल पा रहा है। और जैसे ही हमने इसके सूचना अधिकार के तहत नगर पालिका से इसके बारे में पूछा कि ये 30-35 लाख लग के ये बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, ये किसकी है, तो नगर पालिका इसको बताने में असमर्थ है। उन्होंने कहा ये हमारी किसी प्रकार की है नहीं। इसलिए पूरे प्रदेश में उत्तराखंड का अंदर भू कानून का विरोध कर रहे, भू कानून के लिए कर रही है कि भू कानून बनना चाहिए। इस आधार पर आज हम भू कानून का एक पहला यहाँ से संकल्प लेते हैं कि भू कानून में जिस प्रकार से भू माफिया इस भूमि को अपना रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इसमें सुनने में आ रहा है कि कोई ठेकेदार मुजफ्फरनगर या बाहर के, अब ये पता ही नहीं कि ये किसने बनाया है। और हमारा नेतृत्व कर्तव्य बनता है कि हम इस मुख्यालय में होने के नाते उत्तराखंड के अंदर इसको उजागर करना चाहती है कि आखिर ये क्या मजबूरी थी जो ये खड़ा हो गया है, और ये क्या मजबूरी थी कि जो इसका टेंडर नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर अपना तालाबंदी कर रहे हैं। संभवतः हम चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति का अगर ये इस पे मालकाना हक है, वो आके उपरांत उत्तराखंड के अंदर जनपद विभाग के कार्यकारिणी से आकर मिले और अपने स्पष्टीकरण बताए कि ये किस आधार पे ये मकान बना है, ये भवन बना है।